Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. this is our ninth lecture of science for grade 6 and alhamdulillah we have completed our two units the unit number one was cellular organization of plants and animals and the second unit was sense organ now today we are going to start our third unit photosynthesis and respiration in plants रेस्पायरेशन एस वी नो कि हम जितने भी एनिमल्स हैं वो सब भी रेस्पायर करते हैं मगर ये टॉपिक हमारा जो नंबर थर्ड जो है ये स्पेसिफिक होगा फॉर द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस आप फैमिलियर हो इससे पिछले क्लासेस में आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हो कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लाट्स फूड बना रहे होते हैं यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो एंड रिस्पायरेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग अब यहाँ पर वही रिस्पायरेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन कैसे हो रही होती है और प्लांट्स अपनी एनर्जी कैसे गेट कर रहे होते हैं थ्रो रिस्पायरेशन एंड टूडे द डेट इज एटीनथ जून ट्वेंटी एंड ट्वेंटी लर्निंग आउटकम्स के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या कुछ जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं या हम किन किन क्वेश्चन के आंसर देने के काबिल हो जाएंगे द फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ के लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पत्ता जो है वो उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है द सेकेंड वन डिफाइंड फोटोसेंथिसिस के फ़ोटो सिंथिस को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या चीज़ फोटोसेंथिसिस होती है और फोटो सिंथिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लांट्स के अंदर हम उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें उसके बाद नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ़ फोटो वो तमाम फैक्टर्स जो डिपेंड कर रहे थे जो इफेक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ोटोसेंथिसिस के ऊपर वो तमाम इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स फैसिलिटेट फोटोसेंथिसिस के हम डिस्क्राइब कर सकेंगे कैसे लीव का जो स्ट्रक्चर है जो आ, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो कैसे फोटोसेंथेसिस को हेल्प आउट कर रहा होता है उसकी मदद करता है फोटोसेंथिसिस के प्रोसेस में प्लांट की हेल्प कर रहा होता है इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस सॉरी रेस्पायरेशन के रेस्पायरेशन uh, की इंपॉर्टेंस क्या और रेस्पायरेशन का प्रोसेस इन प्लांट्स जो है वो कैसे हो रहा होता है अंदर लास्ट वन हमने कंपेयर कर सकेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन को कि फोटोसेंथिसिस और रेस्पायरेशन के अंदर क्या सिमिलेरिटीज़ या क्या डिफरेंसिस हैं जिसको हम पढ़ सकेंगे ओके स्टूडेंट्स सो पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स एज़ वी नो स्टूडेंट्स के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए और अपनी तमाम तर लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है वॉक के लिए टॉक के लिए प्ले के लिए तमाम चीज़ों के लिए जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को ज़रूरत होती है किसकी एनर्जी की बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स को भी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से गेट कर रहे होते हैं उस फूड से जिसको प्लांट्स ख़ुद प्रिपेयर करते हैं क्योंकि आपको पता स्टूडेंट्स के जस्ट प्लान्स ही हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं बाकी तमाम एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी ख़ुराक के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं प्लांट्स के ऊपर जस्ट प्लांट्स ही हैं जो अपनी खुराक ख़ुद बनाते हैं और वो उसी खुराक को यूज़ करते हैं खुद ही किसके लिए एनर्जी गेटिंग के लिए सो so बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं प्लांट्स के लिए जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो जिंदा रह सकते हैं या अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो वो दो प्रोसेस ये दोनों प्रोसेस हैं फर्स्ट वन इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं एंड द सेकंड वन इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस जिसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं ये दोनों जो इनके प्रोसेस के नेम्स हैं ये आपको स्टूडेंट्स याद होने चाहिए या एन एम या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर्स में या टेस्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव जैसा कि हमने भी पढ़ा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हमें बताएगा कि किस तरह जो है एक लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है और फिर उसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस किस तरह जो है वो प्लांट के अंदर हो रही होती है लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दे आर प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज हम इन्हें प्लांट फूड फैक्ट्रीज क्यों कहते हैं फैक्ट्रीज़ का पर्पज़ क्या होता है किसी भी चीज़ का बनना सो so फूड क्योंकि इन प्लांट्स की जो फूड होती है वो इन लीव्स के थ्रू बन रही होती है इसलिए हम इनको प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहते हैं जहाँ पर ये अपनी ख़ुराक को तैयार कर रहे होते हैं इस खुराक को तैयार करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं दे एब्जॉर्ब सन लाइट एनर्जी टू मेक फूड सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं याद रखिएगा कभी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सनलाइट की एब्सेंस में नहीं हो सकता सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो इसका प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी थ्री मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ के हम लीव के तीन मेन पार्ट्स जो है वो देख सकते हैं अगर हम एक माइक्रोस्कोप से लीव की स्टडी करें तो वो हमें ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर जो है वो हम देख सकते हैं जिसमें अब ये स्टडी हमने कितने पार्ट की की है जो आपको रेक्टेंगुलर पार्ट एक नज़र आ रहा होगा ना इतना सा जस्ट इतने ही पार्ट की हमने स्टडी की है ये एक लीव को बिल्कुल कट करके दरमियान से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जस्ट लिया गया था और जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो हमें उसके ये तीन बेसिक जो है वो पार्ट हमें पावरफुल पार्ट जो है वो प्लाट लीफ की हमें उसमें शो हो सके वो कौन कौन से पार्ट हैं एपीडर्मस है मेजोफिल है, है और वेस्कुलर बंडल ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये तीन पार्ट जो है वो हिस्सा ले रहे होती हैं यही टॉपिक हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर कर रहा है सो तो हम पहले जो है वो इसको वहाँ से पढ़ लेते हैं और उसको उसके हिसाब से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन नोटबुक पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह राइट करना है अपनी सबसे पहले अपना टाइटल पेज बना लीजिएगा आप अपनी नोटबुक पर यूनिट नंबर थर्ड के लिए टाइटल पेज बनाने के बाद आपने फिर जिस डेट पे आप वर्क स्टार्ट करोगे आपने वो डेट राइट करनी है आपने देन होमवर्क थर्सडे दे, डे आपने राइट करना है आपको ऑलरेडी पता है देन यूनिट नंबर एंड नेम ऑफ द यूनिट हमारा टॉपिक क्या है क्वेश्चन आंसर्स और क्वेश्चन आंसर्स में हमारा टॉपिक कौन से हैं लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक है, है हमारा सो आपने लॉन्ग क्वेश्चन की ये तमाम हेडिंग लाजमी आपने देनी है उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बुक पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है उस क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स तो आपने इसको उसी के अकॉर्डिंग ही राइट कर देना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें वही चीज़ जो अभी हम स्टडी कर रहे थे अब हम इसको देख लेते हैं थ्री मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ आर एपीडर्मस मेजोफिल एंड वेस्कुलर बने रहे तीन पार्ट्स हैं इसमें सबसे पहला क्या है एपीडरमस एपिडर्मस क्या होता है द अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अपर एपिडर्मस एंड द लोअर लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लोअर एपीडरमस अब ये कौन सा अपर और लोअर एपिडर्मस है उसको हम देख लेते हैं यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा ये इसकी लीफ का अपर और ये लीफ की लोअर इसको हम कहते हैं ये एपीडर्मस है ये अपर लेयर होती है लीफ की जो ऊपर वाली लीफ की लेयर आ रही है सतह आ रही है उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है लीफ का उसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं बाकी तमाम प्रोसेस उसके अंदर हो रहा होता है दरमियान में इसका प्रोसेस क्या हो गया आप क्लियर होगी क्या अपर एपिडर्मिस क्या होता है जो अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर लेयर ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस जस्ट कवरिंग होती है इसका कोई और पार्ट नहीं होता जबकि लोअर एपिडर्मिस जो है वो इसके अंदर छोटे छोटे से स्टोमेटा होते हैं और ये स्टोमेटा क्या होते हैं इनकी इनकी ओपनिंग भी हो सकती है और क्लोजिंग भी हो सकती है और ये बीन शेप के होते हैं जिनके अंदर जो बीन शेप के क्या होते हैं इसमें गार्ड सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल्स किस लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं जब ये ओपन हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टार्ट हो जाता है और जब ये क्लोज हो जाते हैं तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो रुक जाता है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया वाटर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वो तमाम किसके थ्रू हो रहा होता है या एयर का एक्सचेंज जो है वो इस एपिडर्म स्टोमेटा के जरिए हो रहा होता है और ये स्टोमेटा कहाँ पर मौजूद होते हैं लोअर एपिडर्मिस में होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ये अपर एपिडर्मिस में नहीं होते कहाँ पे मौजूद होते हैं ये लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं अब क्लियर हो गया ये आपने इतना जो है वो इसको ये नोटबुक पे ऐड करना है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेज़ोफिल मेजोफिल क्या होता है अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान ये जितना तमाम एरिया आपको नज़र आ रही है जो ग्रीनिश एयर जितना भी सारा नज़र आ रहा है ये तमाम क्या है ये मेज़ोफिल एरिया है द बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज द मेजोफिल द मेजोफिल इज मेड अप ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्योंकि फूड मेकिंग के लिए हेल्पआउट करो होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो ग्रीन कलर का एक प्रेगमेंट होता है तो इसी वजह से जो है वो हम इसको आ, यहाँ पर जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि लीफ जो है वो ग्रीन भी नज़र आ रहा होता है उसकी जो है क्यों क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो बिल्कुल क्लियर इसकी अपर एपिडर्मस की थिन लेयर से नज़र आ रहा होता है इसी वजह से और ये तमाम एरिया ग्रीनिश एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर फूड बन रहा होता है इस क्लोरोप्लास के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो द मेजोफिल इज द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस तो इस प्रोसेस के इस एरिया के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है ये जस्ट अपर एपीडर्मस और ये लोअर एपीडर्मस अपर एपीडर्मस जस्ट कवरिंग कर रही होती है जबकि लोअर एपीडर्मस क्या होता है कि लोअर एपीडर्मस के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं वो स्टोमेटा जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एयर वाटर का जो है वो हो रहा होता है और किसके जरिए हो रहा होता है ये जैसे ये बीन शेप के यानी बीन की तरह के जो है वो लोबिये की शेप के गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं गार्ड सेल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और यही क्लोज़ भी हो जाती हैं जब ये ओपन होते हैं तो क्या होगा यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा होता है और जब ये क्लोज हो जाते हैं तो ये तमाम प्रोसेस रुक जाता है रात के टाइम जो है ये स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाते हैं जबकि डे टाइम में इस ओपन हो रहे होते हैं यही वजह है कि डे टाइम में फोटोसेंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है ठीक है स्टूडेंट्स और इसका आप थर्ड कौन सा है थर्ड है वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर बंडल क्या होगा सेंट्रल पार्ट ये बिल्कुल लीफ के सेंटर में ये आपको ब्राउनिश जो पार्ट नज़र आ रहा है ये वाला एरिया ये तमाम एरिया क्या है ये वेस्कुलर बंडल है और इस वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या मौजूद होते हैं टिश्यूज़ मौजूद होते हैं सेंट्रल पार्ट मेदोफिल टिशू इज़ मेड ऑफ वेस्कुलर बंडल ये टिशू से बना हुआ जो वेस्कुलर बंडल है इसके अंदर ये टिशूज़ मौजूद होते हैं टू टाइप्स के टिशूज़ हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं कौन कौन से टू टाइप्स के टिशूज़ मौजूद होते हैं एक जाइलम टिशूज़ मौजूद होता है और एक फ्लोइम टिशूज़ ये देखिए आप इसकी शेप देखिए तो डिफरेंट है और इसकी शेप देखिए तो डिफरेंट है तो ये हमारे पास क्या होंगे ये हमारे पास जाइलम टिश्यूज़ है जो रूट से लेकर शूट तक वाटर की सप्लाई कर रहे होते हैं यानी रूट से पानी जो रूट्स वाट, अंडरग्राउंड वाटर तक कर रही होती हैं ये क्या करते हैं उसको लीफ तक पानी को पहुंचा रहे होते हैं ये जाइलम टिश्यूज जबकि फ्लोइम टिश्यूज़ क्या करते हैं जो लीफ के अंदर खुराक तैयार हुई होती है फूड बनी होती है उठ फू उस फूड को प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन है फ्लोइम टिश्यूज़ कर रहे होते हैं और ये तम दोनों किसके अंदर मौजूद होते हैं ये वेस्कुलर बंडल के अंदर मौजूद होते हैं जबकि वेस्कुलर बंडल क्या होता है वेस्कुलर ये हमारे पास मेजोफिल टिश्यू से बना हुआ वेस्कुलर एक बंडल होता है ठीक है स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपने इसको राइट भी करना है और इसको लर्न भी करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपने यहाँ पर आप देखिए तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कुछ नॉलेज दी हुई है आपने इनको भी पढ़ लेना है हमसे क्यूज़ हो सकते हैं आपके पहला क्या है डज आ लीफ लुक ग्रीन के लीफ का कलर जो है वो हमें ग्रीन क्यों नज़र आता है देखा जैसे कि अभी आपने देखा था कि जितना तमाम एरिया बेसिक एरिया कौन सा मेजोफिल कवर कर रहा था जो जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद था और इसके अंदर क्या था क्लोरोफिल मौजूद था अब यही वो रीज़न है कि द लीफ लुक ग्रीन्स बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल शोज थ्रू द क्लियर एपीडर्मस कि एपीडर्मस क्लियर इतनी जो है वो बारीक सी होती है कि उसमें से क्लोरोफिल का जो वो ग्रीन कलर होता है वो बहुत क्लियरली हमें नज़र आ रहा होता है यही वजह है कि हमें क्लो जो लीफ का स्ट्रक्चर है जो लीफ की शेप है वो ग्रीन नज़र आ रही होती है और जैसे जैसे ये क्लोरोफिल ख़त्म होना शुरू हो जाता है यानी जैसे जैसे लीफ पेल होना शुरू हो जाता है उसका कलर येलो होना स्टार्ट हो जाता है तो मीन उसके अंदर क्लोरोफिल ख़त्म होना शुरू हो जाता है देन अल्टीमेटली जो है वो पत्ते जो है वो गिर जाते हैं या वो हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर से फूड मेकिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया है अब यहाँ पे आपको ये दो डायग्राम नज़र आ रही होंगी ये वही गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटा में मौजूद जिसकी हम बात कर रहे थे क्या होता है कि गार्ड सेल्स कब जो है वो ओपन और कब क्लोज हो जाती हैं वेन द गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल एंड द स्टोमेटा ओपन ये देखिए जब पानी को ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है स्टोमेटा तो ये स्वेल हो जाते हैं ये और स्वेल होने के बाद क्या हो जाते हैं ये इनका जो है ये ओपन हो जाते हैं इस तरह करके और जब इनके अंदर मौजूद तमाम वाटर रिलीज हो जाता है तो ये बंद हो जाते हैं इस शेप में और स्टोमेटा किस टाइम में ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन रहते हैं जबकि नाइट में जो है वो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस जो आप शुरू से पढ़ते भी आ रहे हो प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ी बहुत आप इसको नो हाउ है आपको सो so, फोटोसिंथेसिस क्या होता है प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट एंड क्लोरोफिल अब ये वो तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से फोटोसिन्थेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है ये वजह है कि फोटोसेंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम में होता है बिकॉज सन जो है वो एक मेजर फैक्टर होती एक है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटो के प्रोसेस में प्लांट्स अपनी ख़ुराक को बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यानी सनलाइट का और क्लोरोफिल दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो जो या तो एयर से मिल रही होती है जबकि एयर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत कम होती है ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री टू जीरो पॉइंट जीरो फोर होती है यानी बहुत ही कम मिकदार मौजूद होती है जबकि ज़्यादातर जो है वो जो ह्यूमन बींग्स या जो एनिमल्स एक्जेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स उनको यूज़ कर रहे होते हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों को यूज़ करते हैं किसके प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये एक वर्ड इक्वेशन भी आपने इसको लर्न करनी है और जब वो ये इस प्रोसेस के नतीजे में क्या चीज़ बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं यानी फूड बनाते हैं प्लस दूसरी क्या चीज़ वो बना रहे होते हैं ऑक्सीजन बनाते हैं वही ऑक्सीजन जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दूसरे तमाम एनिमल्स यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है तो ये किस प्रोसेस के जरिए हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल खुराक बनाते हैं तो उसके नतीजे में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है और ये जो वर्ड है फोटोसेंथिसिस ये एक ग्रीक वर्ड है दो ग्रीक लेटर्स है जिनसे मिलकर बनाए फोटो एक अलग लफ्ज़ है और सिंथेसिस एक अलग लफ्ज है फोटो मीन लाइट जबकि सिंथेसिस मीन टू मेक ये भी स्टूडेंट्स आपने एमसी के लिए लर्न करना है ये वाला भी एम के लिए आपका लर्न होगा ये वाले जो दोनों हैं ये भी आपके एम में है और प्लस ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ये भी आपका एज एन एम आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है तो आपको इसका पता होना चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर हो गया फोटो का प्रोसेस ये डायग्राम के थ्रू भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह हो रहा है कि सन क्या, क्या कर रहा है लीव क्या कर रहा है सन से सनलाइट ले रहा है जबकि यहाँ से एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और इनकी प्रेजेंस में और अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हुए क्या कर रहा है और लीव के अंदर ही मौजूद जो क्लोरोफिल है इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके फूड बना रहा होता है और इस फूड बनाने के दौरान जो कार्ब ऑक्सीजन बन रही होती है उस ऑक्सीजन को वापस इन्वायरमेंट में दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं प्लांट्स जबकि ऑक्सीजन को एक्सेल कर रहे हैं या गिवन आउट जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट्स ये आपका फोटोसिंथेसिस है नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन आवर वर्ल्ड अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे वो मर जाएंगे इसकी रीज़न क्या है इसकी एक रीज़न तो ये है कि हम खुराक ले रहे होते हैं प्लांट्स के ज़रिए और दूसरी इसकी रीज़न ये है कि अगर अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा तो लाइफ का पॉसिबल होना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा लाइफ का होना क्यों क्योंकि इसके नतीजे में जो ऑक्सीजन बन रही होती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो हम जो है वो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएंगी सो रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी किसकी वजह से हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस की वजह से ही हो रहा होता है इन एनिमल्स अब हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटो के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं उसको आ, कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके फोटो के रेट को या उस पर किस किस अंदाज़ में जो है वो उस पर इफेक्ट कर रहे होते हैं यही टॉपिक हमारा जो है वो हमारा सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर कर रहा है तो हम क्या करते हैं उसी क्वेश्चन में इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमने करना है इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकंड स्टूडेंट्स जब आप एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड अटैम्प्ट नेक्स्ट डे तो इसके साथ आपने जो नेक्स्ट डे जिस डे आप इसको अटैम्प्ट करोगे डेट आपने उसी की राइट करनी है डेट और डे वही आपका राइट होगा जबकि बाकी जो है वो टॉपिक वगैरह रा, वो राइट करना जरूरी नहीं है उसको आप रहने दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं तो वो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं सब सबसे फर्स्ट कौन सा हमारे पास लाइट के प्लांट्स क्या करते हैं प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक food. सो so, प्लांट्स क्या करते हैं सनलाइट को ट्रैप कर रहे होते हैं सनलाइट को ले रहे होते हैं किसकी वजह से फूड बनाने के लिए एंड फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस के जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है या रोशनी की शिद्दत बढ़ती जाती है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बढ़ता जाता है इट्स मीन अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद का जो डे होता है उसमें क्या होगा कि फोटोसेंथिस का रेट सबसे ज़्यादा होता है लेकिन जैसे जैसे दिन ढलना शुरू हो जाता है शाम होने लगती है वैसे वैसे फ़ोटोसेंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है यानी सबसे हाइस्ट रेट कब होगा मॉर्निंग टाइम में सबसे ज़्यादा रेट होगा फोटो का और शाम में इवनिंग में जो है वो फोटोसिनथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो स्लो डाउन होगा और रात के अंदर ये प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा सेकेंड थिंग कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स एब्जॉर्व फ्रॉम एयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटो सिंथेसिस के ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि किसकी जरूरत लाइट की भी थी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी थी सो कार्बन डाइऑक्साइड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आप कह सकती हो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इक्रीज होगा वैसे वैसे ही फोटोसिनथेसिस भी बढ़ जाएगी अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जीरो टू जीरो परसेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है हमारे एयर में अब थर्ड वन है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जहाँ पे बात आती है एक मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और ना ही बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के इन ये दोनों कंडीशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल नहीं होती द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथेसिस नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव सेल्सियस के ट्वेंटी फाइव से थर्टी फाइव सेल्सियस का सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है यही टेम्परेचर मोस्टली बेहतर होता है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए लेकिन अगर टेम्परेचर बिलो जीरो सेल्सियस हो जाए या अबव फोर्टी सेल्सियस हो जाए तो इन दोनों कंडीशन में जो है वो क्या होगा ये सूटेबल नहीं होगा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कि दोनों कंडीशन में प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो सकेगी थर्ड वन है वाटर वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द रॉ मटीरियल्स फॉर फोटो सिंथेसिस एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है अमाउंट बहुत लिमिटेड चाहिए होती है हमें लेकिन ये भी हमारे लिए एक रॉ मटीरियल यानी जो हमें बहुत ज़्यादा एक जरूरी मटीरियल है फोटो सिंथेसिस के लिए इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफिल क्लोरोफिल इज द ग्रीन मटीरियल इन प्लांट्स दैट ट्रैप सनलाइट ये वो, क्लोरोफिल ही है जो क्या कर रहा होता है सनलाइट को ट्रैप कर रहा होता है ये प्लांट के अंदर मौजूद होता है जो अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स मेजोफिल एरिया जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल मौजूद होता है और यही क्लोरोफिल का का पर्पज़ क्या होता है कि सनलाइट को ट्रैप करना होता है इसने इट गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स लीव को तो ग्रीन कलर भी यही क्लोरोफिल दे रहा है जैसे कि अभी हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में पढ़ा भी था इसको एंड विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसेंथेसिस इज इम्पॉसिबल कि इसके बगैर भी फोटोसेंथेसिस नहीं हो सकती तो ये तमाम वो पार्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स एसेंशियल पार्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड आप इस क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे अटेम्प्ट करोगे तो इस सेम इसके साथ भी इसको नेक्स्ट पेज पे कीजिएगा डेट और डे भी जो है वो नेक्स्ट डे की ही राइट होगी और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस कि हमने अब ये प्रूव करना है कि जो लीव का स्ट्रक्चर होता है क्या वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा होता है उसको हेल्प आउट करता है और अगर करता है तो किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा होता है लीव का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली फोटो सिंथिस अक्कर इन ग्रीन लीव्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज़ सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस ग्रीन लीव्स के अंदर होता है जैसे अभी हमने बात की कि येलो जो होना शुरू होते हैं या पहले येलो टाइप के जो होना शुरू हो जाते हैं लीव्स तो वहाँ पर फोटोसेंथेसिस का प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और जो बिल्कुल येलो हो जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है फोटो सिंथिस का प्रोसेस सो so, उनकी जो फ्रेशनेस होती है या वो जो ग्रीन लीवस होते हैं वहीं पर ही फोटोसेंथिसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है सो so, पहला क्या होगा इसके लिए मोस्ट लीव्स हैव फ्लैट ब्लेड टू एबजॉर्ब मैक्सिमम लाइट के मॉक्स जो है वो क्या होते हैं बिल्कुल इनकी जो सतह होती है वो बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल पतले और तेज़ होते हैं जिसके जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेकेंड लीव्स आर थिन बिल्कुल पतले होते हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स ईजीली कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से लाइट इसके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर के सेल्स के अंदर जा सकती यानी अगर लीफ का स्ट्रक्चर लीव्स अगर ज़रा जो है वो थिक होते हैं मोटे होते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा अंदर सेल जो होते हैं मौजूद होते हैं वहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड या एनर्जी ना जा सकती लेकिन इसी वजह से इनके जो है ये पत्ते बिल्कुल बारीक होते हैं ताकि इनर सेल्स तक भी ये दोनों चीज़ें जा सकें यहाँ पर जैसे कि अगर देखिए ये हम बात करें थे कि ये फ्लैट ब्लेड होते हैं और दूसरी हमने क्या इसकी बात की थी कि बिल्कुल थिन होते हैं कि जिसके जरिए से क्या हो रहा होता है बहुत इजीली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनर पार्ट्स तक जा रही होती हैं ये स्टोमेटा हैं जिनके जरिए से ये प्रोसेस हो रहा होता है थर्ड हम देख लेते हैं लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोयर एपिडर्मस कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो एपिडर्मिस मौजूद होते हैं लेकिन कहाँ पर मौजूद होते हैं स्टोमेटा मौजूद होते हैं लोअर एपिडर्मिस में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किसके जरिए उस टोमेटा के जरिए से हो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था ये देखिए ये जैसे ये उसके क्या है बिल्कुल इतने से पार्ट को दिखाया हुआ है माइक्रोस्कोपिक स्टडी में जिसकी ये तस्वीर है कि यह आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा मौजूद है जस्ट इतने से पार्ट को लिया गया था और इतने से पार्ट की जो है ये माइक्रोस्कोपिक एक जो है वो पिक्चर दी गई है और उसमें दिखाया हुआ है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा मौजूद होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टोमेटा के जरिए से ही हो रहा होता है ठीक है अब इसका फोर्थ टॉपिक देख लेते हैं थिक लेयर ऑफ मेज़ोफिल सेल्स मेक्स इनअ फूड फॉर द प्लांट्स ये क्या होती है थिक लेयर ऑफ मेज़ोफिल सेल्स मेक इन अ फूड हम हमारे पास मेज़ोफिल सेल का हमने देखा था सबसे ज़्यादा जो लार्जर एरिया था वो मेज़ोफिल सेल्स का था और ये मेज़ोफिल सेल्स का जो एरिया था ये क्या करा होता है क्योंकि थिक लेयर थी इसकी जो है वो लेयर काफ़ी थिक होती है तो यहाँ पर इतनी खुराक ज़रूर बन जाती है कि वो तमाम प्लांट के लिए इनफ होती है और वो अपनी जो है वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को इसके ज़रिए से पूरा कर लेते हैं और लास्ट वन है वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर बंडल जो मौजूद है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है यानी वेस्कुलर बंडल के जरिए वाटर और ग्लूकोज की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है और वेस्कुलर बंडल के जरिए कैसे हो रही होती है जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि वेस्कुलर बंडल के अंदर मौजूद दो टिश्यूज़ होते हैं जयलम और फलोइम जाइलम टिश्यूज़ वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है जबकि फ्लोइम टिश्यूज़ जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है इसीलिए जयलम बंडल जो है वो हमें वेस्कुलर बंडल हमें हेल्प आउट कर रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड यहाँ पर ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पर वो क्या है कि प्लांट्स इन द वर्ल्ड आर समाइम्स कॉल दी लंग्स ऑफ द नेचर के प्लांट्स को हम लंग्स ऑफ द नेचर क्यों कह रहे होते हैं प्लांट्स को हम लंग्स का क्या पर्पज़ होता है लंग्स हमें ब्रीदिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है ना सो so, लंग्स हम अगर हम लंग्स ऑफ द नेचर प्लांट्स को कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो डिक्रीज कर रहे होती हैं ये वजह कि हम समटाइम्स प्लांट्स को लंग्स ऑफ द नेचर भी कहते हैं और नेक्स्ट पॉइंट टू थिंक है वट वुड हैपन स्पेशली टू दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इफ फोटोसिनथिस स्टॉप कि अगर फोटोसिन्थिस स्टॉप हो जाएगी तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है आपको पता है कि फोटोसिनथेसिस के प्रोसेस में जो है वो हमें ऑक्सीजन भी मिल रही होती है और हमें ग्लूकोज यानी फूड भी मिल रही होती है तो अगर फोटोसिथेसिस का प्रोसेस ही खत्म हो जाए तो क्या होगा स्पेशली ये कि ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और अल्टीमेटली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और तमाम जो है वो अर्थ पर लाइफ जो है वो भी उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स अब इसको अपनी वर्डिंग में पहले आपने मुझे क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फोर्थ स्टूडेंट्स अगेन अगर जब आप इसको नोटबुक पे राइट करोगे तो आपने जिस डेट और डे पे इसको राइट करना है जो डायरी में, में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप नोटबुक पे राइट करोगे इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फोर्थ है इस, आ, फोर्थ है इसका हाउ डज रिस्पायरेशन अकर इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन कैसे हो रही होती है पहले हम देख लेते हैं रिस्पायरेशन होती क्या है रेस्पायरेशन इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स के तमाम तर लिविंग थिंग्स के अंदर जो एनर्जी को प्रो, प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है उसको रेस्पायरेशन कहते हैं प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं प्लांट्स रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और इस ऑक्सीजन को यूज़ करके इस ग्लूकोज को जो उन्होंने खुद बनाया होता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और जब ऑक्सीजन को यूज़ करके इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तोड़ते हैं तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलती है जो चीज़ वो बन रहे होते है, वो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी ये चीज़ें होती हैं डे टाइम में क्या हो रहा होता है डे टाइम में क्योंकि प्लांट्स जब फोटो बना रहे होते हैं तो फोटोसिनथेसिस के प्रोसेस के अंदर वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को बनाते हैं तो इसी ऑक्सीजन को जिसको प्लांट्स खुद बना रहे होते हैं अपनी रिस्पायरेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि रात के टाइम में फ़ोटोसिन्थेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है ख़त्म हो जाता है क्योंकि सनलाइट मौजूद नहीं होती रात में तो इस नतीजे में क्या हो जाता है प्लांट्स एनर्जी या प्लांट्स ऑक्सीजन हवा से लेना शुरू कर देते हैं जब वो ऑक्सीजन एयर से ले रहे होते हैं उस ऑक्सीजन को एयर से लेने के बाद उनके सेल्स में जो स्टोर होता है ग्लूकोज उसको यूज़ करते हुए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं उसके नतीजे में दोबारा से क्या चीज़ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी उसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्योंकि फोटोसिंथेसिस रात के वक्त नहीं हो रही होती तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो इन्वायरमेंट के अंदर गिव आउट करना शुरू कर देती हैं जबकि क्या हो रहा होता है एनर्जी को वो यूज़ कर लेते हैं और वाटर को भी स्टोमेटा के ज़रिए से जो है वो गिव आउट कर लेते हैं ठीक है स्टूडेंट्स सो एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स बट रेस्पायरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो दिन रात जारी रहता है रेस्पायरेशन uh, का प्रोसेस जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जस्ट डे टाइम में हो रहा होता है प्लांट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द रेस्पिरेशन ये कब हो रहा होता है ये रात के टाइम में हो रहा होता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन हवा से लेना शुरू कर देते हैं और हवा में ही वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करना शुरू कर देते हैं और वाटर को गिव आउट करना शुरू कर देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर इसकी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा होता है इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ हो रहा होता है और ये क्या हो इस ऑक्सीजन को यूज़ करके क्या कर रहे होते हैं ग्लूकोज को तोड़ते हैं सिमिलर सब्स सिंपलर सब्सटेंसिस यानी अब जिस फॉर्म में उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो अपने उस सिंपलर फॉर्म के अंदर उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना या गिव आउट करना शुरू कर देते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट होता है वाटर गिव आउट हो रहा होता है और एनर्जी गिव आउट हो रही होती है जबकि क्या चीज़ ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो ये यूज़ कर रहे होते हैं ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो ठीक है स्टूडेंट्स इस डायग्राम को आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एक्सटेंड योर थिंकिंग ये एक्सटेंड योर थिंकिंग का टॉपिक जो है वो आपका ये आपका ये लास्ट टॉपिक होगा और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसके लिए आपको नोटबुक को अगेन दोबारा कंप्लीट जो है वो रेडी करना होगा यूनिट नंबर थर्ड टॉपिक का अगेन राइट करना है फोटोसिंथेसिस एंड इन प्लांट्स टॉपिक आपका क्या आ जाएगा एक्सटेंड योर थिंकिंग और ये टॉपिक कौन से होंगे ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर है उसका और क्वेश्चन नंबर फोर के आपके ये सारे फोर पार्ट्स ही दिए हुए हैं जिसका फर्स्ट पार्ट क्या है विच पार्ट ऑफ द लीफ कैन बेस्ट बी कम्पेयर टू योर स्किन हमारी स्किन से लीफ का कौन सा पार्ट जो है वो कंपेयर किया जा सकता है सो द एपिडर्मस ऑफ द लीफ कैन बेस्ट बी कम्पेयर टू आवर स्किन हमारे स्किन क्या अपीडर्मस क्या होता है बिल्कुल अपर पार्ट होता है ना अपर और लोअर जिसने कवर किया हुआ होता है इंटरनल पार्ट को लीफ की बिल्कुल इसी तरह हमारी स्किन ने क्या किया हुआ है हमारे इंटरनल पार्ट को बिल्कुल कवर किया हुआ होता है सो हम अपनी स्किन से कंपेयर कर सकते हैं एपिडर्मस को नेक्स्ट है वट इज़ द वन कॉज ऑफ ऑक्सीजन बींग फाउंड इन द एटमोस्फेयर वो कौन सी जो है वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हम बहुत ज़्यादा मिकदार में अपने एटमॉस्फेयर से हासिल कर सकते हैं सो so, वो क्या है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को जो है वो इन्वायरमेंट में लेते हैं क्यों क्योंकि फोटोसिनथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो सनलाइट क्लोरोफिल एंड वाटर को यूज़ करते हुए क्या चीज़ बना रहे होते हैं प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं और उस ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो गिव आउट कर रहे होते हैं डे टाइम में ठीक है सो क्या होगा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वन कॉज ऑफ ऑक्सीजन बींग फाउंड इन द एटमोस्फेयर एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वट वर happen इफ़ देयर वर नो कार्बन dioxide इन द एयर अगर हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही ख़त्म हो जाए तो क्या नतीजा होगा इसके नतीजे में जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निसेसरी होती है प्लांट्स के लिए क्योंकि एसेंशियल पार्ट क्यों है क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर हो ही नहीं सकता सो तो अगर जो है वो कार्बन डाईऑक्साइड ख़त्म हो जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर से तो फोटोसेंथिसिस का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा एंड तमाम लिविंग थिंग्स क्या हो जाएंगी विल डाई मर जाएंगी पार्ट नंबर फोर्थ है क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर फोर वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैन द लीव्स ऑन अ स्टेम आर अरेंज सो दे डू नॉट ओवरलैप टू मच कि ये इतना ज़रूरी क्यों है लीफ की अरेंजमेंट जो स्टेम के ऊपर तने के ऊपर जो लीव लगा हुआ था उसकी अरेंजमेंट इतनी जो है वो इसकी अरेंजमेंट इस तरह क्यों होनी चाहिए कि वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें ओवरलैप का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे आ जाना कि वो छुपा दें तो ओवरलैप क्यों नहीं होना चाहिए टू एब्ज़ॉर्ब मैक्सिमम लाइट टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर प्ला अगर लीफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे तो जो सबसे लोअर में लीफ आ रहा होगा उसको तो एनर्जी मिल ही नहीं रही होगी या उसको तो लाइट मिलेगी ही नहीं सो तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या तो बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यही वजह है कि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए लीफ के अरेंजमेंट ऐसी होना इंपॉर्टेंट है कि वह एक दूसरे पर ओवरलैप ना कर रहे हों ये शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सटेंड योर थिंकिंग है आपके ये भी आपके उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं सो इनको भी उसी तरह ही लर्न करना और राइट करना है अब स्टूडेंट्स ये आप लोगों की डायरी है आपने डायरी को इसी हिसाब से जो है वो फॉलो करना है फ्राइडे को आपका क्या हो जाएगा रीडिंग हो जाएगी और आपने एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करना है देन सैटरडे सैटरडे लर्न प्लस राइट क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट वन एंड टू और इसी को आपने नोट नोटबुक पर राइट भी करना है देन मंडे मंडे को आपका टेस्ट हो जाएगा तो टेस्ट में आपकी तीनों यूनिट की एक्सरसाइज हो जाएंगी यानी ऑब्जेक्टिव वाइज टेस्ट होगा आपका ये ट्यूज़डे है ट्यूज के ट्यूजडे की डायरी में राइट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट थर्ड एंड फोर्थ और लर्न भी करना है इसको और ऑप्शन से याद रखिएगा कि जो चीज़ आप लर्न करोगे उसको प्रैक्टिस रजिस्टर के ऊपर राइट करके ज़रूर आपने शो करवाना है कि ये चीज़ आपने लर्न कर ली थी वो आप अपने जो है वो किसी भी जो है वो अपने पेरेंट्स के जरिए या किसी भी बड़े बहन भाई को चेक करवा के भी शो करवा सकते हैं या आप सेल्फ जो है वो चेकिंग भी कर सकते हैं उसके बाद वेनेसडे है वेनसडे में आपने क्या करना है लर्न प्लस राइट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सटेंडेड थिंकिंग है वो आपने नीट नोटबुक पे राइट करनी है उनको लर्न करना है एंड थर्सडे थर्सडे में आपने कंप्लीट यूनिट नंबर थ्री जो है वो उसको एक तो रिवाइज़ कर देना है और यूनिट नंबर फोर का टाइटल पेज अपनी नोटबुक पर आपने बना लेना है ओके स्टूडेंट्स होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा सारा अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई मुश्किल हो कोई परेशानी या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं और हम मेक श्योर sure करेंगे कि आपको उसका आंसर दे सकें ओके स्टूडेंट्स अल्लाफ़